एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो से पहले एक वीडियो ऑलरेडी मेरा आ चुका है जगत दीदी के ऊपर, तो आप लोग वो वीडियो अगर नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, और उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, ज़रा भी अच्छे लगते हैं, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करके आप लोग थोड़ी सी हिम्मत ज़रूर दिया कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आगे बहुत से वीडियोस ला पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आज जगत दीदी का वीडियो आया। वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, वैसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने वो वीडियो पूरा देखा। उस वीडियो के अंदर पहले तो मैडम ने साड़ी दिखाई। एक तो आजकल मीशो का हॉल इतना चल रहा है कि मतलब इन लोगों ने अपने ब्लॉग चैनल को अपनी दुकान बना लिया है, और धड़ाधड़ मीशो 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 मीशो, मैं तो पागल हो चुकी हूँ मीशो मीशो देख देख के। आप लोग बताइएगा, सबसे पहले तो आप यही कमेंट करके बताइए कि आपको ये मीशो 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 जो फैला पड़ा है पूरे यूट्यूब पे, चाहे वो राज फैमिली हो, चाहे वो तिवारी फैमिली हो, चाहे वो ये फैमिली हो, वो फैमिली हो, आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो मीशो से ही मतलब इतनी चिढ़ हो गई है ना कि अगर मुझे खुद भी कुछ लेना होगा ना, मैं मीशो नहीं जाऊंगी। अजीब सा फीलिंग आ रही है यार, मतलब दिए ले लो, साड़ी ले लो, सूट ले लो, बस करो भाई, बस करो, अब हमें आगे व्लॉग देखने दो। व्लॉग देखने आए हम, दुकान देखने नहीं आए आपकी, है ना? तो चलिए आगे आते हैं। इसके बाद अब मीशो मीशो करके बहुत ज्यादा बवाल हो गया, बहुत ज्यादा कंटेंट बना लिया, किसी ने सोफे पे बैठ के बना लिया, किसी ने बेड पे बना लिया, तो बन गया कंटेंट, है ना? उसके बाद आते हैं अब दीदी के बुटीक के ऊपर। दीदी ने अपना बुटीक दिखाना था। अब एक बार उन्होंने टूर दे रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रखा है, लेकिन आपको सबको पता है होम टूर और ऐसे टूर वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। तो दीदी ने सोचा कि चलो एक चैनल पे तो मैं खतरनाक कंटेंट डाल ही रही हूँ, धड़ाधड़ इमोशनल कार्ड खेल रही हूँ, तो चलो एक पे टूर वाला वीडियो डालते हैं, इसमें भी कुछ डॉलर कमाते हैं। अरे भाई, जब मीशो का इतना प्रमोशन कर सकते हैं तो अपने बुटीक का क्यों नहीं? तो दीदी ने वही सेम चीज़ की। दीदी ने क्या किया, दीदी ने एक वीडियो बनाया जिसमें कि हमें ये दिखाया कि उनके बुटीक में एक टेबल है, एक कुर्सी है, एक मतलब क्या था वो, क्या बोलते हैं जिसको टेबल टाइप होता है, ध्यान से निकल गया मेरे मुँह में है लेकिन बाहर नहीं आ रहा वो वर्ड, काउंटर था। तो एक काउंटर था और जिसमें कि मास्टर जी कटिंग वटिंग करते हैं, मैडम ने बताया हमें। उसके बाद सिलाई मशीन वगैरह थी, और दीवारें दिखाई और अपना टूर दिखाया, और ये भी बताया कि उनके जो बुटीक के बाहर बोर्ड लगा है ना, लाइट वाला है, मतलब इतनी सारी लाइटें जलती हैं कि आप सोच के हैरान हो जाओगे। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब जो भी इंसान कोई जाएगा इनके बुटीक पे तो वो क्या सोचकर जाने वाला है, आप लोग सोचिए। लाइट वाला बोर्ड है, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो मैं आप लोगों को कहूँगी जल्दी जल्दी जाइए दिवाली के लिए कपड़े सिलवा लीजिए, अच्छे अच्छे ड्रेस। वैसा ऐसा है कि दीदी कपड़े तो अच्छे सिलती हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये है कि रेट बहुत ज़्यादा लेंगी क्योंकि दीदी ना एक ब्रांड समझती हैं अपने को, तो वो ब्रांड के हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा होगी। अगर आप नॉर्मल बुटीक पे जाएंगे तो शायद कम में आपका कपड़ा बन जाएगा। ये था आज का दीदी का ब्लॉग और वीडियो, मतलब ब्लॉग तो नहीं था किसी भी एंगल से, लेकिन हाँ ये वीडियो था आज का टूर वाला। अब मैंने ये वीडियो पूरा देखा, मुझे अच्छा लगा, फीलिंग तो अच्छी आई, लेकिन मुझे ना एक चीज़ में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि दीदी से एक बात पूछना चाहती हूँ मैं कि आपने क्यू एन ए वाला वीडियो के लिए आपने प्रमोशन कम्युनिटी डाला था, वो कब आएगा? मैं तो सोच रही थी कि आज आ जाएगा, और मैंने तो उस लिंक पे क्लिक भी इसीलिए किया था शायद कि मुझे वो वीडियो देखने को नसीब होगा तो चलो मेरा रिएक्शन बनेगा, लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। अब दीदी का कहना ऐसा है, 8 मिनट 11 सेकंड का वीडियो बनाने के बाद दीदी को लगता है कि चलो गाइज इस वीडियो को छोटा ही रहने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, छोटे वीडियो में आप लोग भी मज़े से देख लेंगे और मेरे को भी ठीक रहेगा एडिटिंग में, तो चलो छोटा ही रहने देते हैं। लेकिन मैं दीदी से पूछना चाहती हूँ कि आपने इसको 7 मिनट का क्यों नहीं बनाया? जब आपने 8 मिनट 11 सेकंड का बना दिया तो छोटा कहाँ से हुआ ये बताइए? मतलब ऐड तो आपने उसमें भरपूर लगाई थी, तो फिर आप ये कहे को बोल रही हैं कि मैंने छोटा वीडियो बना के डाला है ना? तो गाइस आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, 8 मिनट का वीडियो से 1 सेकंड, मतलब 8 मिनट भी पूरे होते हैं ना,
हम वीडियो पे 10 ऐड भी लगा सकते हैं, और अगर 8 मिनट से छोटा वीडियो है तो हम उसमें कोई ऐड नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से। जो YT देगा, एडसेंस देगा, वो देगा, अदरवाइज हम अपने हिसाब से कोई मतलब नई छेड़ाछाड़ी कर सकते, ये हिसाब होता है। तो दीदी इतने बेवकूफ़ भी बनाती है ऑडियंस को, और मैं दीदी से ये कहना चाहती हूँ कि दीदी ठीक है आपने बुटीक दिखा दिया, आपने सब कुछ दिखा दिया, लेकिन अभी हमारे सवालों का जवाब तो दीजिए। अरे जीजा जी करते क्या है हमें ये तो बताइए ज़रा थोड़ा सा। कोई कह रहा है कि फिल्टर का काम करते हैं, कोई कह रहा है कुछ करते हैं, कोई कह रहा है बिजनेसमैन है, कोई कहता है फोटोग्राफर है, मुझे तो यही नहीं पल्ले पड़ पा रहा कि है क्या। और इनकी मम्मी का कहना है वो डीजे वाला नहीं है, तो डीजे वाला नहीं है तो है क्या, वो हमें थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हम लोग भी इतने कन्फ्यूज ना हों। तो कोई भी इंसान नया जुड़ता है हमें देखना होता है, हमें भी समझना होता है कि ये इंसान अब आगे ये वाला कंटेंट हमें देने वाला है। अब अगर वो पानी का काम करते हैं, मतलब आरओ का काम करते हैं, तो हमें भी अगर आरओ लगवाना होगा, वैसे तो मेरे घर में लगा हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी और को लगवाना होगा तो मैं भैया जी का नंबर दूंगी ना कि भैया ये नए नए आए हैं, इनको बिजनेस चलाना है। पार्टी पे तो ये आ ही गए अपनी रोटियां बनाने, लेकिन दीदी का कहना है हम दाल रोटी कमा रहे हैं, लेकिन असलियत पे तो इनके इन लॉज कमा के चले गए, हमें तो अभी कुछ मिला भी नहीं। दाल क्या, रोटी क्या ही बोलूँ मैं, इनके घर वाले तो खीर पूड़ी सबके पैसे कमा रहे हैं और हम दाल रोटी भी नहीं कमा पा रहे। बताओ दीदी आपके नाम पे तो कुछ नहीं हो पा रहा। तो थोड़ा सा मैं आपको यही कहूँगी, थोड़ा सा अपने वीडियोज में ब्लॉग्स में कुछ अच्छा दिखाओ, बड़े दिन हो गए मीशो टूर ये सब करते, कुछ अच्छा लाओ, है ना। काफ़ी दिनों से ऑडियंस वेट कर रही है आप लोगों के मुंह खोलने का, तो आप मुंह क्यों नहीं खोल रहे हो, आप क्यों नहीं बता रहे हो आपके इन लॉस करते क्या हैं, आपके इन लॉस है क्या, आपके होने वाले वुड भी है क्या, है ना। थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे भी नज़र डालो, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब में आप देना चाहो तो दे सकते हो। तो चलिए गाइस इस वीडियो का करते हैं एंड, दीदी ने अपने 8 मिनट पूरे किए किस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। और आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आजकल मैं इनके ऊपर ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि ना मेरे को दीदी की बातें अच्छी नहीं लगी, अब मेरे को अच्छी नहीं लगी तो मैं तो फिर बातें करूंगी, है ना। अब ये बुरा मानती है तो मान जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या करें, दाल रोटी करके बहुत गलत कर दिया इन्होंने। किसी एक चैनल दो चैनल की बात होती तो ये बोलती तो अच्छा लगता, अब इन्होंने सारे रिएक्शन चैनल को जब गिन दिया फिर सारों को अपना रंग दिखाना पड़ेगा ना इनको, है ना। इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।